नमस्कार, मेरा नाम है परिधि अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं धर्म खबरी। यूं तो देश भर में देवी देवताओं के कई चमत्कारिक मंदिर हैं, जिनमें से कुछ मंदिर तो ऐसे हैं जिनकी चमत्कार वैज्ञानिक तक नहीं सुलझा पाए हैं। इन्हीं सभी चमत्कारिक मंदिरों के बीच में एक चमत्कारी देवी का मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया में भी स्थित है। आज हम दर्शन करेंगे माँ पीताम्बरा पीठ दतिया की, जिन्हें राजसत्ता की देवी भी कहा जाता है। माँ पीताम्बरा पीठ दतिया शहर में स्थित है। इस स्थान को सपस्थली भी कहा जाता है। माँ पीताम्बरा पीठ बगला मुखी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो 1920 के दशक में श्री स्वामी जी द्वारा स्थापित किया गया था। पीताम्बरा पीठ की स्थापना एक सिद्ध संत, जिन्हें लोग स्वामी जी महाराज कहकर पुकारते थे, ने 1935 में दतिया के राजा शत्रुजीत सिंह बुंदेला के सहयोग से की थी। श्री पीताम्बरा पीठ बगला मुखी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। उन्होंने आश्रम के भीतर धूमावती देवी के मंदिर की भी स्थापना की थी, जो कि देश भर में एकमात्र है। धूमावती और बगला मुखी 10 महाविद्याओं में से 2 है। इसके अलावा आश्रम के बड़े क्षेत्र में परशुराम, हनुमान, काल भैरव और अन्य देवी देवताओं के मंदिर फैले हुए हैं। माँ पीताम्बरा पीठ दतिया शहर में स्थित देश का एक प्रसिद्ध शक्ति पीठ है। श्री गोलोकवासी स्वामी जी महाराज के द्वारा इस स्थान पर बगला मुखी देवी तथा धूमावती माता की स्थापना की गई थी। पीताम्बरा पीठ में स्थित वनखंडेश्वर मंदिर एक महाभारत कालीन शिव मंदिर है। सबसे अनोखी बात यह है कि भक्तों को माँ धूमावती के दर्शन का सौभाग्य केवल आरती के समय ही प्राप्त होता है, क्योंकि बाकी समय मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। माँ पीताम्बरा के वैभव से सभी की मनोकामना पूरी होती है। भक्तों को सुख समृद्धि और शांति मिलती है। यही वजह है कि माँ के दरबार में दूर दूर से भक्त आते हैं, माँ की महिमा गाते हैं और झोली में खुशियाँ भरकर घर ले जाते हैं। माँ पीताम्बरा के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कोई पुकार कभी अनसुनी नहीं जाती। राजा हो या रंक, माँ के नेत्र सभी पर एक समान कृपा बरसाते हैं। तो आइए इस बार नवरात्र में और माँ के दरबार में पुकार लगाइए। तो ये थी हमारी प्रस्तुति माँ पीताम्बरा पीठ के ऊपर। आने वाले एपिसोड में हम एक और देवी के दर्शन आपको करवाने के लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए खबरी के साथ और देखते रहिए धर्म खबरी। नमस्कार।